प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे। मैं खुदा का दास सुखपाल राणा। ये वीडियो एक बहुत ही खास वीडियो है उन लोगों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह में चलते हैं, और जो नहीं भी चलते उन्हें भी बहुत सारे पॉइंट समझ आ सकते हैं। अगर कोई नया इस वीडियो को देखेगा तो उन्हें समझ आएगी कि कैसे वो इस वीडियो के द्वारा जैसे अशांति से बाहर आ सकते हैं, हालातों से बाहर आ सकते हैं। अगर किसी को दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है या प्रॉब्लम है तो इस वीडियो के द्वारा आपको ये समझ आएगी कि कैसे आपका भला होगा। ओके, तो आपने थंबनेल में देख ही लिया कि ये किस टॉपिक पर आज ये बड़ी वीडियो है, और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। इसे ध्यान से पूरा सुनना वीडियो को ताकि आपको समझ आए आज का टॉपिक, और उसके बाद परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आज काम करेगा। सो परमेश्वर के प्यारे लोगों, ध्यान से सुनना। अना जैसे हम सब लोग जैसे इस दुनिया में एक परमेश्वर के बनाए हुए लोग हैं, लेकिन हम जब दुनिया में देखते हैं तो अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग लोग हैं, तो उनके हिसाब से उनके अलग अलग रिचुअल्स है, रीति रिवाज है, और उनका जो भगवान है, परमेश्वर है, वो भी अलग अलग रूप में वो समझते हैं। लेकिन आज कुछ पॉइंट पर हम बात करेंगे, कई लोगों का इसका फायदा हो सकता है, उनकी ज़िंदगी में आज परमेश्वर काम कर सकता है ताकि उनको आराम मिले। जैसे इस दुनिया में लोग कहते हैं कि परमात्मा शब्द है, कोई कहता निराकार है, कोई कहता अदृश्य है, उसे हम देख नहीं सकते, कोई उसे ज्योत कहता है, लाइट कहता है, और कई ग्रंथों में ऐसे लिखा है वो अदृश्य है और निर्गुण भी है, ऐसे निर्गुण भी उसके बारे में बात करते हैं। अगर परमेश्वर निर्गुण है, निर्गुण का मतलब होता है उसमें कोई भी गुण नहीं है, तो ये तो अजीब बात होगी, है ना। जैसे कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है उसके बारे में, लेकिन जैसे मान लो कि परमेश्वर, जो लोग कहते लाइट है, मतलब ज्योत है, तो ज्योत है तो मतलब उससे ज्योत जगाओगे, या ज्योत है तो उससे प्रकाश आता है, लेकिन प्रकाश से ये समझ नहीं आएगा कि परमेश्वर के अंदर जो गुण है, गुण समझ नहीं आएंगे, क्योंकि परमेश्वर जैसे व्यक्तिगत में गुणों से भरा हुआ है, और ये हमारे लिए समझना बड़ा जरूरी है कि उसके जो गुण है वो मनुष्य के लिए क्या है। लेकिन निर्गुण है तो वो कुछ भी नहीं है। लेकिन जो लोग सोचते हैं ऐसे कि जो लोग ज्योत समझते हैं, वो कहते हैं उसका जाप करो, जाप करो, तो वो लोग तपस्या करते, जाप करते, उन्हें कुछ लाइट समझ आती है, लाइट समझ आई तो वो कहते हैं हाँ हमने उसे पा लिया या देख लिया, ऐसे लाइट को समझकर। लेकिन हम देखते हैं जो कहते हैं निर्गुण, उससे भी समझ नहीं आएगा। जो लोग शब्द कहते हैं सिर्फ, उन्हें भी समझ नहीं आएगा परमेश्वर कौन है। जो निराकार कहते हैं, निराकार मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, आदिक परमेश्वर, आदृश्य परमेश्वर जो नजर नहीं आता, तो मैं समझता हूँ ये मनुष्य के लिए फिर हवा की बातें हो जाएगी। उन लोगों का तो छोड़ ही दो बेचारों का, जो पत्थरों को, मिट्टी को, तस्वीरों को, जानवरों को, मनुष्यों को, मतलब मटीरियल की पूजा करते, वो लोग तो बहुत दूर हैं। लेकिन वो लोग अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग बाबाओं की जो शिक्षा है उसमें लोग ये समझते हैं कि वो ऐसे हैं जैसे शब्द, निर्गुण, ज्योत, लाइट, तो इसलिए कुछ लोग उसे शब्द समझते हैं, इसलिए नाम शब्द देकर उन्हें जाप करवाते हैं। लेकिन एक्चुअली परमेश्वर जाप करने वाली चीज़ नहीं है, या तपस्या करने वाली चीज़ नहीं है, वो अनुभव करने वाली चीज़ है, उसके साथ संबंध बनाने का विषय है। तो दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं उनमें वो चीज़ें नहीं लिखी
जो आपको पवित्र ग्रंथ बाइबल में मिलेगा, क्योंकि बाइबल में किसी भी बाइबल के अंदर इंसान को कोई ऐसे ज्ञान नहीं दिया उस परमेश्वर ने कि तुम मेरा नाम जपो या मेरा ऐसे मैं जोत हूँ तो मेरी तपस्या करो, ऐसे मेडिटेशन करो, ऐसी चीज़ें नहीं गई। बाइबल में प्रार्थना शब्द है, प्रार्थना का मतलब संबंध। हम परमेश्वर के साथ क्या बनाते हैं? एक संबंध। और संबंध से हमें समझ आता है परमेश्वर के गुण, उसका अनुभव। और जिस मनुष्य ने परमेश्वर का अनुभव नहीं किया वो परमेश्वर से वंचित है। तो इस दुनिया में लोग बेचारे क्या क्या कर रहे हैं, इसलिए उन्हें समझ नहीं है क्या क्या करना है। लेकिन परमेश्वर एक पावर है, एक सामर्थ्य, एक पॉजिटिव एनर्जी है, वो काम करता है, आपको बीमारी से छुड़ाता है, आपको दुष्ट आत्मा से छुड़ाता है। अभी इधर एक बॉर्न क्रिश्चियन बहन आई अपनी मम्मी को लेकर, उसकी मम्मी के रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर हो गया और ट्यूमर की वजह से धीरे धीरे उसका नीचे का दर्द डेड हो गया। वो बेड पर चलेगी, व्हीलचेयर पर आई। कल थर्सडे 30/3/2023 वो अपनी मम्मी को लेकर आई। और मैंने, वैसे तो वो कैथोलिक में थे, रोमन कैथोलिक लोग, जो लोग इतना हीलिंग में बिलीव नहीं करते, लेकिन अब हालात है तो फिर उन्हें आना पड़ा है ना, परमेश्वर की जीवित शक्ति से काम लेने के लिए। तो जब आई तो जो खुदा पर मेरा बड़ा भरोसा है और खुदा का जो सामर्थ का आत्मा मेरे अंदर वास करता है, वो मुझे यूज़ करता है लोगों के भले के लिए। तो जब मैंने हाथ रखा और सामर्थ को रिलीज़ किया, खुदा की पावर को रिलीज़ किया, जो यीशु मसीह ने कहा था जब तुम बीमारों पर हाथ रखोगे तो बीमार क्या हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। तो उसने ये कहा था वो सामर्थ मेरे नाम में काम करेगी, यीशु मसीह के करैक्टर में काम करेगी। तो यीशु मसीह का करैक्टर क्या है, हम अच्छी तरह से विश्वास करते हैं। तो इसलिए जैसे मैंने सामर्थ को रिलीज किया यीशु के सामर्थी नाम से, उसके नीचे के धड़ में जान आ गई, वो कुछ उठ गई, कुछ चलने लगी। आज मैं अभी मिला हूँ उसे, तो जब मैं मिला तो कल से भी ज़्यादा वो हीलिंग है। तो ये खुदा जो पावरफुल है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर एक पावर है, परमेश्वर एक स्पिरिट है, वो एक आत्मा है। जैसे मनुष्य व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं, भावना होती है, इमोशंस होते हैं, ऐसे ही दुनिया का मालिक है, उसके अंदर इमोशंस भी हैं, भावना भी है, प्रेम भी है, बहुत सारे गुण हैं। जो हमें उसके गुणों को समझ आता है उससे रिश्ता जोड़ने के बाद, हमें समझ आता है बाइबल से परमेश्वर पूरी, जैसे बाबाओं का ज्ञान है अलग अलग डेरों का, वो कहते हैं अलग अलग धर्म के जो कुछ आपके कर्मों में लिखा है, जो किस्मत में परमात्मा ने लिखा है वो होगा। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती, बाइबल में परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और वो इतना बड़ा उसका प्रेम है कि मनुष्य जाति बाइबल में लिखा के पाप से पैदा हुई है और पाप कर रही है और पाप की गुलाम है। इसीलिए दुनिया में लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, धर्म धर्म से, जाति जाति से, पति पत्नी से, प्यो बेटे से, बेटा बाप से, माँ दी से, तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं। लोग रिश्तेदारी में भी ऐसी चीज़ें कर रही क्योंकि पाप के गुलाम है। लेकिन यीशु की कुर्बानी, जो यीशु बाइबल में लिखा, परमेश्वर एक शब्द है, ऐसे करके बाइबल में भी लिखा, क्यों ऐसे लिखा, ताकि दूसरी दुनिया को समझ आए, और लिखा शब्द देहधारी हुआ, दुनिया के लिए लिख दिया। वैसे परमेश्वर एक पावर है, परमेश्वर एक आत्मा है, शब्द देहधारी हुआ। बाइबल में ये भी लिखा परमेश्वर ज्योति है, मतलब लाइट है, वो इसलिए लिखा वो तुम्हें प्रकाश में लाएगा, मतलब तुम्हें अपनी अपने बारे में दिखाएगा वो कौन है। उसको जप से समझ नहीं आएगा, तपस्या से समझ नहीं आएगा, नाम शब्द को जाप करने से समझ नहीं आएगा,
उसके साथ पवित्र आत्मा का दान पाके, क्योंकि वो आत्मा है। तो परमेश्वर हमें यीशु मसीह के द्वारा एक आत्मा देता है अपना, होली स्पिरिट, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ क्या बना सकते हैं, संबंध। फिर हम उसकी बातें सुन सकते हैं, वो हमसे बातें करेगा, हमें समझ आएगी। तो ये बड़ा विषय है जो शारीरिक मनुष्यों को समझ नहीं आएगा। तो आप लोग जितने भी इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोग हैं, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना नए लोगों के पास भी, ताकि उन्हें ये बातें समझ आए, ताकि वो भी परमेश्वर की सामर्थ का स्वाद चख सकें। क्योंकि परमेश्वर भला है, उसकी पावर, उसकी सामर्थ, उसकी भलाई, उसके प्रेम का स्वाद मैंने चखा है। जब मैं दुखी था, प्रॉब्लम में था, हालातों में था, दुष्ट आत्माओं से जकड़ा हुआ था, तो जब मैंने परमेश्वर के प्रेम का स्वाद चखा, मैं आज़ाद हुआ, मैं बड़ा, मुझ में अब उसकी पावर काम करती, और हजारों लाखों लोगों को परमेश्वर मेरे द्वारा छुड़ा रहा है। तो ये मैं आपको बता रहा था परमेश्वर के बारे, जो महान ज्ञान है। तो परमेश्वर भला है। जितने भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, आज इन पॉइंट्स के बाद उसकी पावर आपकी ज़िंदगी में भी काम कर सकती है। तो आप भी इस वीडियो के बाद अपने मन को फिराओ, जो परमेश्वर एक आत्मा है, उसी आत्मा से यीशु, मतलब परमेश्वर खुदा ही यीशु के रूप में, मतलब आत्मा से कुंवारी कन्या से प्रकट हुआ, हमें पाप से छुड़ाने के लिए, हमें अपना बनाने के लिए, हमें जीवन देने के लिए। तो मैं विश्वास करता हूँ, ये मैं पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ कि परमेश्वर एक पावर है, एक ऐसी सामर्थ जो हमें छुड़ाती है। तुम्हें आज से ये बिलीव करना है, क्योंकि बाइबल में कुरिन्थियस में लिखा कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है। जैसे अलग अलग बाबा लोग, संत महात्मा लोग, ज्ञान ज्ञान, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा परमेश्वर का राज्य ज्ञान की लुभाने वाली बातों में नहीं, उसकी सामर्थ में है, उसकी पावर में है। तो दुनिया में सिंपल ज्ञान है, लेकिन यहाँ परमेश्वर आपको एक बड़ी पावर दिखाएगा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार सुन रहे हो, आप परेशान हो, दुखी हो, बीमार हो, किसी भी स्टेट देश में हो, आप हमारी चर्च में आना, कॉन्टैक्ट करके आना, टाइम लेकर आना। आपके जीवन में कैसा भी दुष्ट आत्मा, कैसा भी हालात है, परमेश्वर उससे फ्री करेगा और आपको चंगा करेगा, क्योंकि उसका कानून बाइबल में लिखा आपको वो जीवन देने के लिए, शांति देने के लिए ही यीशु मसीह पृथ्वी पर आया। तो उसकी शांति परमेश्वर ही दे सकता है। दुनिया में जो शांति है वो पल भर की है, परमेश्वर की जो शांति है वो आपके लिए अनंत काल की है। दुनिया शांति को ढूंढने के लिए जंगलों में जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, एकांत में जाते हैं, लेकिन शांति फिर नहीं मिलती। लेकिन आपको भीड़ भाड़ की दुनिया में ही रहकर इतनी परमेश्वर शांति देगा कि आप दूसरों को शांति देने वाले बन जाओगे। तो मेरा विश्वास है इस वीडियो के द्वारा, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके मन की आंखें खोल रहा है। आओ मेरे साथ बनो, प्रार्थना को रिसीव करो। आज आपकी ज़िंदगी में खुदा मिरेकल करने वाला है, आपकी मन की आंखें खोलने वाला है। रेडी हो जाओ। जीवित परमेश्वर, मैं आपका दास हूँ खुदावंद। इसी क्षण तेरी जीवित शक्ति को जितने इस वीडियो के साथ जुड़े हुए मेरे साथ रिसीव कर रहे हैं, इस वीडियो की शिक्षा के द्वारा इस प्रार्थना को रिसीव करें, इसी क्षण तेरी जीवित शक्ति को रिलीज करता हूँ। राइट नाउ दुष्ट आत्मा के सताए हुए आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। गंदी बुरी आत्माओं, क्लेश की आत्माओं, नशे की आत्माओं, व्यभिचार की आत्माओं, कंफ्यूजन की आत्माओं, इनकी जिंदगी को फेल करने वाली आत्माओं, बिजनेस किसी भी काम से टूटो, टूटो, इनकी जिंदगी से उखाड़ता हूं। उखड़ो, टच, निकलो इन नेम जीसस, निकलो इनकी जिंदगी से, आउट, दोबारा इनकी तरफ देखना ना, आउट। खुदा तेरी जीवित शक्ति ने तोड़कर हमेशा के लिए आजाद करिए। जितने लोग बीमार हैं, लीवर, हार्ट,
किडनीज, पेट के रोग, लंग्स के रोग, दमे के रोगी, टीबी के रोगी, एचआईवी के रोगी, हाथ रखो अपनी बॉडी पर। खुदा की जिंदा शक्ति आपकी बॉडी के ऊपर काम कर रही। इसी कृष्ण 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 रही लो ब्रो सकने में भी, 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 भी। इसी क्षण चंगे हो जाओ। मैं घोषणा करता हूं इन बड़े रोगों का जो मैंने नाम लिया है इनसे छूट जाओ। ये बीमारी यीशु के सामर्थी नाम से तुम्हारे शरीर से खत्म हो जाए। ब्रेन ट्यूमर जाता रहे, बॉडी का ट्यूमर जाता रहे, पेट के रोग जाते रहे, एचआईवी जाती रहे, बवासीर के रोगी हील हो जाओ। खुदावंद आपको छू रहा है, उसकी सामर्थ्य आपकी बॉडी में काम करिए। छूट जाओ स्ट्रेस से, डिप्रेशन से आजाद हो जाओ। नाक के रोग, आंखों के रोग, कानों के रोग, रिसौलियां, गांठे टूटे, गैप हो जाए आपकी बॉडी से, नाक से, आंखों से, आंखों के रोग, ब्रेन के रोग, बुद्धि के रोग, इन नेम जीसस हील हो जाओ, हील हो जाओ। परमेश्वर आपकी बंद वेन्स खोल रहा है, हार्ट की ब्लॉकेज खोल रहा है। जिंदा शक्ति काम करिए आपकी बॉडी के अंदर, उसकी पावर काम करिए। तुम छुए जा रहे हो, तुम हील हो रहे हो। जिनकी कुख बंद है बहनों की, वो खुल रही है। आप बच्चे से ब्लेस हो रहे हो। जिनके बंद पीरियड्स खुल रहे हैं, जिनके पीरियड्स इररेगुलर हैं बहनों के, वो हील हो रही है। जिनकी बच्चादानी में रिसौली, वो टूट कर पार आ जाए यीशु मसीह के नाम से। गांठे पार, पथरियां पार, बंद वेन्स खुल जाए। रीढ़ की हड्डी के रोगी चंगे हो जाए। स्पाइन, दबे हुए मन के, इन रोगों से छूट जाओ। सर्वाइकल के छूट जाओ, सर्वाइकल के रोगों से छूट जाओ। हिप के रोग, हड्डियों के रोग, बवासीर, डायबिटीज, कैंसर जैसे रोगों से छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ। खुदावंद आपके बिजनेस को ब्लेस कर रहा है, आपके परिवार को ब्लेस कर रहा है। आपके अंदर जीवन शक्ति काम कर रही है। तुम हील हो रहे हो, खड़े हो रहे हो, चल रहे हो, घुटने नहीं हो रहे, घुटनों में ग्रीस आ रही है, बंद वेन्स खुल रही है। जिनको पैरालाइज है वो छूट रहे हैं, पैरालाइज जिनको है छूट रहे हैं, वो आजाद हो रहे, आजाद हो रहे, आजाद हो रहे, हील हो रहे हो। खुदा की जिंदा शक्ति आपकी बॉडी में काम कर रही है। मेरे मुंह के शब्दों के द्वारा चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, बंद रास्ते खुल जाए। गवाही से आओ, गुड न्यूज से आओ। खुदा काम कर रहा है, आपको पासपोर्ट को ब्लेस कर रहा है, आपको सिटीजन से, पीआर से ब्लेस कर रहा है, फॉरेन के रास्ते खुल रहा है, आपके कर्जों से मुक्त कर रहा है। खुदा बरकत दे रहा है, बरकत दे रहा, ऊंचा कर रहा है, ऊंचा कर रहा है, रास्ते खुल रहा है। इन नेम जीसस फ्री, आमेन। सो जितने लोगों ने भी इस प्रे को रिसीव किया है, इसको जब भी आप कई बार रिसीव कर सकते हो वीडियो लगाकर। और मैं समझता हूँ कई रिश्तेदार बहन भाई को ये आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि इस वचन के द्वारा सीख कर और प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास कर कर जो उसके द्वारा अबंडेंट लाइफ है, अच्छा जीवन है, वो आपके अंदर आएगा। ये मेरा विश्वास है। परमेश्वर आपके मन की आँखें खोल रहा है, आपको बढ़ा रहा है। तो मिलते हैं संडे की बड़ी संगति में, पाम संडे की संगति में। जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार समेत आना। खुदा आपको बड़ी आशीष देने वाला है। आमेन, आमेन।